वन मिनट एनसीईआरटी में जानेंगे भारत में रासायनिक खाद की स्थिति के बारे में। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक उत्पादक और उपभोक्ता देश है। भारत पोटास के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। सिंदरी खाद संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र है। 1951 में झारखंड के सिंदरी में उर्वरक उत्पादन का पहला कारखाना खोला गया था। सुपर फास्फेट बनाने का कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में खोला गया था। कर्नाटक के बेलागुला में अमोनिया सल्फेट कारखाना 1939 में खुला था। देश के शीर्ष उर्वरक उत्पादक राज्य गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। नाइट्रोजन खाद बनाने में भारत विश्व में चौथा स्थान रखता है। भारत में नाइट्रोजन खाद की खपत सबसे ज्यादा है। अगर इस तरह के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हो तो और ज्यादा जानकारी के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।